हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यहाँ पे विशेष योगजन का जो ऑप्शन है उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये ऑप्शन है फिलहाल जो है ये ऑन है ऑप्शन, और इससे हम यहाँ पे विकलांगता को अपडेट कर सकते हैं, डिसेबिलिटी को अपडेट कर सकते हैं। ये ऑप्शन फिलहाल जो है आपको जन आधार पोर्टल पर लाइव है, जन आधार पोर्टल पर आपको मिलता है ये ऑप्शन, और इस पर टिक करते हो तो यहाँ पे जो है आपकी विकलांगता है वो अपडेट हो जाती है। और कई लोगों की यहाँ पे है जो परेशानी आ रही है इसी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे कई लोगों की जो विकलांग पेंशन है वो चालू है और उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, और फिर उनकी जो अभी यहाँ पे आपको अभी जब सत्यापन कर रहे हैं हम, तो आपको वो वहाँ पर जो है विशेष योग्यजन वाला यहाँ पर ऑप्शन है ये हमें जन आधार के अंदर अपडेट करने को कह रहा है। लेकिन अब क्या दोस्तों कि हम यहाँ पे टिक करेंगे और हमारा जो विकलांगता का ऑप्शन है यहाँ पर जो डिसेबिलिटी है वो जन आधार के अंदर अपडेट हो जाएगी। तो दोस्तों, ये जो सोच रहे हो आप लोग, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगी। यहाँ पे आप टिक कर दोगे, कुछ भी कर दोगे, ये बिल्कुल भी अपडेट नहीं होती है। यहाँ थोड़ा सा पीछे चलिए, आपको मैं ज़्यादा नहीं 2 महीने पीछे ही धकेल रहा हूँ, 2-3 महीने पीछे, तब ये ऑप्शन है वो इनेबल यहाँ से नहीं होता था, और तब क्या लिखा आता था वो मैं आज आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, शायद आप इस वीडियो को देखने के बाद में जो भी आपका आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है, आपके दिमाग के अंदर जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे। इस टिक का कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल भी ये टिक है किसी यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर गलती की वजह से ये टिक है, वो अभी इनेबल हो रहा है, गलती है इनके सॉफ्टवेयर के अंदर, पोर्टल के अंदर कुछ मिस्टेक चल रही है, उस वजह से यहाँ पे ये जो है एरर जो है यहाँ पे एरर है, जिस वजह से हम यहाँ पे टिक को हम इनेबल कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस टिक को यहाँ पे राइट करके, फिर यहाँ पे जो है विकलांगता दर्ज करके, फिर आप जो है यहाँ पे अपडेट कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि आपको यहाँ पे ये टिक मारने से व्यक्ति डिसेबल हो जाएगा, वो यहाँ पे नहीं होने वाला है। इसके लिए आपको बताइए, जब मैंने बता दिया आपको 2-3 महीने में पीछे ले चलता हूँ, बैक चलिए 3 महीने, तब हम इस जो चेक मार्क होता था इस पे क्लिक करते थे, तब एक ऑप्शन आता था, तब लिखा आता था कि आप जो विशेष योग्यजन की एक वेबसाइट है उसके ऊपर आपको एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है, विकलांगता का सर्टिफिकेट होता है, वो आपको अप्लाई कराना है, प्लस वहाँ पे आपको जाना है जो हॉस्पिटल होता है आपका, वहाँ पर जो भी अधिकारी होते हैं जो नियुक्त होते हैं इसके लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए, वहाँ पर जाना होता है, प्लस वहाँ पर आपको 40% जो है विकलांगता है आपका होना चाहिए, और 40% विकलांगता आपकी पाई जाती है, तो फिर ये टिक है ऑटोमेटिकली। जब भी आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है जैसे इश्यू होता था तो ये टिक है ऑटोमेटिकली यहाँ से इनेबल हो जाता था, प्लस आपको जन आधार के अंदर किसी भी तरह की अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो सारी की सारी चीज़ें ऑटो ही वहाँ से आ रही थी, जो कि ऑटो आ रही थी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की वजह से। तो वो बैग चलिए, आपको पता ही है उस समय का वहाँ पर सिस्टम था। अब दोस्तों, आप इस चीज को अपडेट भी कर रहे हो तो ये अपडेट नहीं होगी, बिल्कुल भी अपडेट नहीं होगी। आप सोच रहे हो ये अपडेट हो जाएगी, ये कतई भी अपडेट नहीं होने वाली है। ये कोई यहाँ पे इस पोर्टल के अंदर कुछ एरर है, इस वजह से फिलहाल जो है यहाँ पे ये अपडेट हो रही है, वरना ये अपडेट होती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टिक करने से कोई चीज़ अपडेट हो जाए ये तो सही नहीं लगता है मुझे, क्योंकि आपको पता ही है यहाँ पे अपडेट करने के बाद में जब कोई भी अपडेट कर देगा तो हर कोई पेंशन के लिए आवेदन कर देगा, और फिर जो है सरकार का जो घाटा है वो हो जाएगा। तो इसके अंदर तो जो है ये सिस्टम के अंदर एरर है, प्लस यहाँ पे मैंने ग्राम सेवक से भी कोशिश उनसे जानने की कोशिश की, मैंने कहा कोई ऐसा सिस्टम है कि जन आधार के अंदर हम कोई चीज़ अपडेट करें, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बिना क्या हम जन आधार कार्ड के अंदर डिसेबिलिटी है वो अपडेट कर सकते हैं, क्या आपके पास कोई अलग से ऑप्शन है वहाँ पर आपके जन आधार पोर्टल के अंदर। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है ऐसा जिससे हम यहाँ पर हमारे एक अलग से जो भी सिस्टम लाएगी तो अलग से जो है ग्राम सेवक के पास हो, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल जो अप्रूवल है तो ग्राम सेवक के पास वहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे अलग से, जैसे फिलहाल जो फैमिली केवाईसी का है या कुछ भी है,
तो यहाँ पे जो विकलांगता का है वो अभी फिलहाल जो है ये सिस्टम का एरर है, न कि यहाँ पे अपडेट हो रहा है, ये बिल्कुल भी अपडेट नहीं हो रहा है। आपको पता ही है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जिसकी 5 साल वैधता होती है, उसके बाद में एक बार फिर से आपको जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ता है, और फिर भी उसके बाद भी आपको 40% है वहाँ पर, आप 40% विकलांग होने चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है आपका शरीर, किसी का भी शरीर हमेशा ग्रो करता है, शरीर हमेशा सही होने की कोशिश करता है। इस वजह से यहाँ पे इसकी जो वैधता है वो 5 साल रखी गई है, 5 साल के बाद में आपको फिर से रिन्यू करवाना पड़ेगा, फिर से वहाँ पे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, फिर से वो इश्यू करेगा, उसके अंदर आपको आप है वो 40% पाए जाने होने चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, शायद आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो विशेष योग्यजन वाला ये ऑप्शन दिया गया है ये बिल्कुल बेकार है, क्योंकि ये कोई सिस्टम का एरर है फिलहाल तो, और ये हमेशा आपको पता ही है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनेगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे है वो अपडेट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।